मिसेस गोल्डन हार्ट का अवार्ड मिला है। मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था, मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू। एक ऐसा परिवार जो देश की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा से जुड़ा है। पति ब्रिगेडियर से रिटायर हैं तो पत्नी ने समाज में ऐसे लोगों के लिए काम किया जो नकारात्मक जीवन जीने के लिए मजबूर थे। इस महिला ने लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाने के लिए काम किया। गोल्डन हार्ट का टाइटल मुझे सामाजिक कार्य करने के लिए और लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, इसके लिए मुझे मिला था। ये शख्सियत है यूपी की देवरिया की रहने वाली प्रीति त्रिपाठी, जिन्हें लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू कॉन्टेस्ट में मिसेस गोल्डन हार्ट के खिताब से नवाजा गया। ये खिताब इन्हें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिला है। तीन सौ महिलाओं ने इस कॉन्टेस्ट में प्रतिभाग लिया था, जिसमें ये अंतिम फाइनल 26 में पहुंची। प्रीति त्रिपाठी, दिस इज गोल्डन हार्ट। देवी दुर्गा के आठ हाथों की शक्ति। प्रीति लगभग 18 वर्षों से इस काम में लगी हैं, जब इनके पति जितेंद्र त्रिपाठी की पोस्टिंग जबलपुर में थी। उस दौरान प्रीति त्रिपाठी जबलपुर में स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम किया था। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम प्रीति त्रिपाठी। आई हैव बीन अ टीचर एंड वर्क विद स्पेशल चिल्ड्रन एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। बीइंग विद स्पेशल चिल्ड्रन आई रियलाइज्ड आई फील इनके द्वारा डिसेबल्ड बच्चों को, उनके परिवार को इन्होंने काफी सपोर्ट किया। इन्हें ऐसे काम से जोड़ा कि वो कुछ काम कर सके। यही नहीं, कुछ बच्चे जो नॉर्मल बच्चों के साथ रहने लायक थे, उन्हें नॉर्मल स्कूल में भी भेजना शुरू किया। And I was on the bed for months and taking painkillers morning, evening. But today, I run, I dance, I'm learning Kathak and I can do 108 Surya Namaskar in one go. बात 2006 की है, जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे पति एक आर्मी मैन थे। हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन अचानक 2009 में कैजुअल्टी हुई और उसके बाद मेरा संघर्ष का समय शुरू हो गया। प्रीति ने मेनका उपाध्याय नाम की महिला, जो अपने पति आर्मी मैन की निधन होने के बाद डिप्रेशन में आ गई थी। मेनका की उम्र उस समय महज 20 वर्ष थी। दो बेटियां थी, 1.5 साल की और 6 महीने की। मेनका को उसके घर वाले नौकरी नहीं करने दे रहे थे, लेकिन प्रीति ने उस महिला को जो डिप्रेशन में थी, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और LLB में एडमिशन कराया। SSB के थ्रू चयन हुआ और महिला दिल्ली आर्मी हेड ऑफिस में सिविलियन के तौर पर काम कर रही है और अपने दो बच्चों के साथ खुश है। मेरे दो बच्चे थे, बहुत ही छोटे थे। एक का उम्र 6 महीने था और एक का उम्र 18 महीने था। 21 साल मेरी उम्र थी। मेरे अंदर इतना समझ भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से दिशा दे सकूं, लेकिन मैडम के सानिध्य से, मिसेज प्रीति त्रिपाठी के सानिध्य से ये सब कुछ संभव हो पाया। और मेरे बच्चों का एडमिशन भी एयरफोर्स बाल भारती में मैम ने ही गाइडलाइन करके, एक सहयोग से, शिक्षा को हमेशा महत्व देते हुए उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटियों को सबसे अच्छा विपन एक तुम जिंदगी में दे सकती हो, वो है एजुकेशन। और उन्होंने मुझे भी एजुकेट किया, मेरे बच्चों के लिए भी एजुकेशन के लिए सही सही दिशा निर्देश और सही सहायता प्रदान की। प्रीति ने बताया उन्हें दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है और ये काम वो वर्षों से करती आ रही है और आगे भी करती रहेंगी। मैं ये काम, मुझे करीब 20 से 22 साल हो गए ये काम करते हुए। मैं किसी NGO या किसी संस्था से नहीं जुड़ी हुई हूँ। ये मेरे अपने अंदर की फीलिंग है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि सिर्फ महिलाएं, बच्चे, कोई भी हो, जिसको भी ज़रूरत हो, वो एजुकेशन की फील्ड में हो या फिर किसी और तरह की। सो मुझे जब भी मौका मिलता है और जहाँ भी मिलता है, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मेरे अपने किसी कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर किसी के लिए थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर करती हूँ।
मैंने एक्चुअली एज अ प्रिंसिपल स्पेशल बच्चों के स्कूल में काम किया, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला साइकोलॉजी पढ़ने का, सो मैंने दूसरी डिग्री ली साइकोलॉजी की। और मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, एक हमारे आर्मी जवान की वाइफ के साथ इंसिडेंट हुआ, उसके हस्बैंड की असामयिक डेथ हो गई और वो बेचारी बहुत परेशान थी। उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने बोला कि मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हें क्या करना है, उसने बोला नहीं मुझे कुछ करना है लाइफ में। फिर उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने उसका एडमिशन कराया, उसने LLB किया, उसने LLM किया और अब वो गवर्नमेंट जॉब में है और बहुत ही खुश है।